क्यों वैकेंसी वहाँ पे आई, तो क्यों वहाँ पे लोग चले गए? सर इसके लिए भी थी सीट है, जितना सीट निकाला जा रहा है जितने नियुक्त हो रहे हैं उतने नहीं नियुक्त हो रहे हैं, और जितना नहीं हो रहे हैं वो अदर सिटी जा रहे हैं। अब उनके मोदी जी सब काम अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ बताइए, कौन से काम आपकी महिलाओं के लिए कौन से काम किए, थोड़ा सा बता दीजिए। अब क्या बताएं भैया, सिर्फ पूछ लीजिए। मोदी जी पसंद है, मोदी जी पसंद है। नमस्कार, आप देख रहे सनी क्रिएटर, मैं सुनी यादव। अभी मैं अपनी सर जमी जनपद जौनपुर में वही पार्क जो अभी समय एक प्रकार से शाम के टाइम मनोरंजन के लिए बनाया गया था समाजवादी पार्टी के द्वारा, लोहिया पार्क, कृषि भवन पार्क जिसे बोला जाता है। मेरे पीछे बहुत सारी कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष भी हैं। जैसा कि आपको पता होगा 2024 का सन तो चालू हो चुका है, दूसरा महीना चल रहा है, लेकिन अभी फाइनल डेट नहीं आया कि कब से चुनाव होगा। ऐसे में हम बात करेंगे इस बार 2024 में क्या बदलाव होगा, क्या मोदी जी रिटर्न आएंगे, कुछ और नया होगा, या विपक्ष में कोई नया चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में आएगा, इस सब सिलसिले में बात करेंगे। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। पहले तो मैम से बात करते हैं। मैम क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम शालिनी सिंह है। मैम क्या किसको क्या माहौल लग रहा है 2024 में? सर मोदी, मोदी बेशक मोदी। मोदी जी क्यों है? सर एक्चुअली वो अपने हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि मोदी को ही वोट देना है। क्या कर रहे हैं देश के लिए? सर हर एक बैच पे, चाहे आप विद्यालय को ही लेके करिए, एक्चुअली हम बीपीएड हैं और गेम टीचर हैं, तो हमारे स्कूल में भी, विद्यालयों में भी, हर स्कूल में, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट संस्था हो, हर स्कूल में ही टीचर, गेम टीचर रखे जा रहे हैं। इसके पहले मोदी जब नहीं थे तो टीचरों में गेम का कोई मतलब माहौल नहीं था, लेकिन अब गेम को भी लेके मोदी वो कर रहे हैं। फिर उसके बाद अभी आप देखें मंदिर के लिए भी, संस्था पूजा के विषय में भी जो है, तो उसके लिए भी मोदी ही पूजा पाठ के राम मंदिर बनवाए। और आप आजकल सड़क को देख के कर सकते हैं कि सड़क भी अच्छी जगह, गांव हो या शहर हो, सिटी कहीं भी हो, हर जगह सड़क बनवा रहे हैं। मैम आपने कहा कि शिक्षा के लिए बहुत अच्छी जगह, तो लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे महिलाएँ या पुरुष हो, काफ़ी विरोध करें कि नौकरी रोजगार नहीं निकल रहा है? ये नहीं, ऐसा नहीं है। ये हर एक, आप कांग्रेस पार्टी भी थी तो उस समय भी तो क्या रोजगार मिलता था? हम पूछेंगे कि उस समय क्या रोजगार था? जैसा माहौल, वैकेंसी आ रही है, सब भर रहे हैं, जितनी सीट है उतनी कवर की जा रही है, टीचर नियुक्त किए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा अगर होता यूपी में या यूपी में होता तो यूपी के लोग बिहार में जाके क्यों नौकरी करते हैं? क्यों वैकेंसी वहाँ पर आई, तो क्यों वहाँ पर लोग चले गए? सर इसके लिए भी थी सीट है, जितना सीट निकाला जा रहा है जितने नियुक्त हो रहे हैं उतने नहीं नियुक्त हो रहे हैं, और जितना नहीं हो रहे हैं वो अदर सिटी जा रहे हैं। अब उनके लिए तो नहीं कह सकते हैं। हमारे अनुसार जैसे दो पंचवर्षीय में ये योगी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में, लगभग अभी तो सिर्फ पुलिस की नौकरी निकाली गई है, शिक्षा विभाग की नौकरी आई थी, पेट का पेपर हुआ, कोई उसका फाइनल रिजल्ट, बीटीसी का बीएड कटा के बीटीसी कह दिया, तो इसमें थोड़ा सा बच्चों के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें नाराजगी नहीं है? जी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उनकी अपनी वो है, हो सकता है कि कुछ चेंज किए हो माहौल, हम इसके लिए नहीं कह सकते, इतना तो नॉलेज नहीं है, बट इतना कहेंगे कि मोदी हैं, हर घर मोदी, और सब यही जितने भी आप किसी से भी पूछेंगे ही मोदी ही हैं। यस मैम, आपका क्या नाम पड़ेगा? इति चक्रवाल। क्या माहौल है? अच्छा माहौल लग रहा है इस टाइम, राम जी का, राम जी आए हैं तो माहौल तो अच्छा है ही। राम राम हर जगह, हर जगह राम राम, पहले भी थे राम, पहले भी थे, लेकिन राम पहले भी थे, राम तो हमेशा ही रहे हैं, उनको तो, उनको तो कोई हटा ही नहीं सकता, बट उनको उनका स्थान मिल गया वो चीज बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा। किसे वोट दे? मेरा तो मोदी जी को ही वोट है, मोदी मोदी। किस काम से खुश है आप मोदी जी? हम उनके हर काम से खुश हैं। कौन काम से? थोड़ा सा हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं वो, सनातन धर्म के लिए लड़ते हैं। अच्छा मैम, मुसलमान तो इसी देश में रहता है, लोग कहते एक नारा लगाते हैं भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख आपस में सब भाई है, तो ऐसे में अगर हिंदू के पक्ष में ज्यादा काम करना, मुस्लिम के पक्ष में काम करना, नहीं, नहीं, तो? ऐसा नहीं है, ये हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं भाई, हम हिंदू है तो हम तो हिंदू के लिए ही बोलेंगे, हम यहाँ मुस्लिम हिंदू करने नहीं आए, सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए भला हो, और वो सबके लिए कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम, और कितने मुस्लिम है जो मोदी के साथ हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम है, आप हैं, सभी हैं। अब ठीक है, यहाँ हिंदू मुसलमान तो ऐसा नहीं है भाई, मेरे राम आए हम उस पर खुश हैं अयोध्या के लिए। एक बात ये आपने बोला राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर, राम मंदिर मैम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना था, बल्कि सरकार भाजपा की है, ये भले दावा करे कि हमारी सरकार ने बनवाया, लेकिन जो आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया था, लेकिन अब तक तो नहीं बना, सही बात है, मोदी के राज में ही ना बना है, अब तक तो बना नहीं। हाँ। जो जात प्रथा चल रही थी 52 से चल रही थी, 1952 से जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब से उसका चल रहा था सुप्रीम कोर्ट से आदेश, अब फाइनल रिजल्ट तो भाजपा सरकार में आया, तो इसलिए बात के रिजल्ट में आया है तभी ना बनाया है, अब फिलहाल पहले तो क्यों नहीं बना, बहुत से आए नेता गए, मतलब बहुत से नेता आए गए, लेकिन जो मोदी किया है वो किसी कोई कर ही नहीं सकता,
आज के जमाने में लीजिए भगवान ही है। और वैसे भी रावण को राम नहीं मारा था, और कोई किसी ने क्यों नहीं मारा, भगवान तो बहुत है, कृष्ण है और विष्णु है, ब्रह्मा, मारा तो राम नहीं था, कृष्ण भगवान भी तो कंस को मारे थे। हाँ, समय तो सबका अपना समय समय का बात है ना, उस समय सतयुग चल रहा था, अभी कलयुग चल रहा है, उस समय तो अपर चल रहा था। अच्छा मैम, विपक्ष के नेता में कौन आपको क्यों नहीं पसंद कर रहे हो आप, पसंद विपक्ष में मतलब कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, या मायावती हो गई, या आम आदमी पार्टी हो गई, क्यों नहीं पसंद कर रहे? नहीं, हमें नहीं, हमें मोदी ही पसंद है, हमें ना राहुल पसंद है ना हमें वो अभी, हमें नहीं, हमें सिर्फ मोदी पसंद है। आपको मैम? मोदी, मोदी, हर घर मोदी। अच्छा, आपकी थोड़ा सा मोदी जी, मोदी जी जी, मोदी जी क्यों? मोदी जी सब काम अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ बताइए, कौन से काम आपकी महिलाओं के लिए, कौन से काम किए, थोड़ा सा बता दीजिए आप। अब क्या बताएं भैया, सिर्फ पूछ लीजिए आप। मोदी जी पसंद है? मोदी जी पसंद है। भैया जी, आप क्या राय इसमें, किसमें भैया, इस 2024 में किसे सपोर्ट कर रहे हैं, किसी प्रधानमंत्री ग्रुप को? मोदी जी को। मोदी जी को सभी सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मोदी पिछले 14 साल से अच्छा काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, तो बेशक उन्हें पसंद किया जाएगा। बहुत लोग विरोध कर रहे हैं उनका, विपक्ष के नेता जितने भी हैं, जुमले बात सब लोग बोलते हैं उनको, मतलब जब आए थे 2014 में आने जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने बोला हमें लाओ भ्रष्टाचार हटाएंगे, फिर बोला 15 लाख का जुमला देंगे, 15 लाख देने, तो उन्होंने ये सब बातों से मुखर गया कहीं? नहीं, जैसे कि क्या कहा आपने, जैसे जब 2014 की चुनाव हो रही थी फर्स्ट पंचवर्षीय प्रधानमंत्री की मोदी सरकार की, तो उसमें उन्होंने बोला था कि भाजपा सरकार लाओ भ्रष्टाचार हटाओ, फिर एक दूसरा कि हमें लाओ 15 लाख, हर एक गरीब को 15 लाख दिया जाएगा, क्या 15 रुपये मिला? देखिए मिला तो होगा, ये बेशक मिला होगा। आपको मिला था? हमको तो मिला था। कैसे आप कह सकते हैं? अब जैसे न्यूज़ में देखा जाता है, पेपर ऊपर वगैरह में देखा जाता है, न्यूज़ में देखा जाता है, बताते हैं। नहीं, हमको तो नहीं मिला। घर देंगे तो सबको घर हो गया ना। तो आयो आयो आवाज़ तो दी है, लेकिन जो 15 लाख की बात है उस पर सुनाई तो दिया कई बार पेपर में और न्यूज़ में आया था कि जो है कि दिए गए हैं, मिला है। उनको क्यों नहीं पसंद कर रहे? अखिलेश यादव इतने अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, क्यों नहीं पसंद कर रहे? कांग्रेस इतना पूरा भारत जोड़ो यात्रा करें पूरे भारत में पैदल, तो क्यों नहीं पसंद कर रहे? मोदी ये क्यों पसंद कर रहे? मोदी काम कर रहे हैं ना, मोदी काम कर रहे हैं जो है कि बिना मतलब। कौन सा काम, थोड़ा एक दो काम गिना दीजिए बस। अब जैसे कि कई योजनाएं चला रहे हैं, अरे कन्या विद्याधन योजना और वो क्या कहते हैं ग्रामीण विकास योजना, आवास पर आवास विकास चला रहे हैं सब। आवास तो पहले ही चल रहा था, पहले भी आवाज दिया जो है वही सब मतलब। चलिए रोजगार के माने में भाजपा सरकार कैसी आप रोजगार के माने में? रोजगार के माने में भी ठीक है, लेकिन पिछले पिछले 3-4 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकाले अभी तक। तो इस पे आपके क्या रहे हैं? अभी निकाले हैं, अभी लगभग 1-2 महीना हुआ होगा, 62,000 नौकरी पुलिस वाले निकाले हैं, और ये टीचिंग तो बिल्कुल बंद कर दिए एकदम। इस मायने में भाजपा सरकार जी, इस मायने में वैकेंसी के मायने में, रोजगार के मामले में भाजपा से पिछली बार तो निकाल रहे थे, इसी बार पता नहीं कैसे रुके हुए। का भैया क्या नाम है आपका? अरे वो हमारे देश का प्रगति कर रहे हैं, कितना भी हो तो पहले जब देश हमारा आया था तो हमारा देश का लेवल बहुत डाउन था, सारे देश हमारे देश को जो थे टॉर्चर करते थे, आतंकवादी हमला कभी भी होता था, लेकिन जब मोदी आए तो ऐसा सब बंद हो गया। अभी नहीं हुआ पुलवामा का हमला, सुने थे आप? पुलवामा का हमला तो हुआ तो उसका तो बदला भी तो लिया गया, फिर एक बार गुजरात में भी हुआ था, तो ये तो अब करते क्या? मैं अभी पढ़ाई क्या करते? क्लास 11th का हूँ और अभी बायोलॉजी का छात्र हूँ। कितना फीस देते हो आप मंथली? कितना देते हो? 600 600 रुपये कोचिंग का 600 है। अभी आपकी कोचिंग तो बंद हो रही है, 11 से 12 की कोचिंग बंद हो गई, उस पर टैक्स लगा, आपको पता है? हाँ पता है। तो फिर स्कूल में तो चलिए, आपको मोदी जी पसंद है? मोदी जी पसंद है। क्या भैया, किसको पसंद कर रहे थे? किसको 2024 किसको वोट दे रहे हैं आप लोग? अरे हम लोग बीजेपी वाले हैं।